गाइस, आज हमारे पास है हमारा बेबी डायपर। तो आपने इसे कई कितनी बार देखा होगा, घर पे भी यूज़ करते हैं अपने बेबी के लिए। पर आपने सोचा है कि अंदर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या मटेरियल होता है, किसकी वजह से वो पानी सोखता है? तो बिल्कुल आज पूरा वीडियो हम इसके पे देखेंगे और हम इसके अंदर से निकालेंगे कि अंदर क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको पहले खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो इसके अंदर है दो बेबी डायपर्स। तो अभी इसको हम सबसे पहले एक वो बाजू में रख देते हैं। अभी तो सबसे पहले छोटा यूज़ करते हैं इसको, सबसे इसको पहले काट देते हैं। और इसी चीज़ को भी पूरी डिटेल के साथ वीडियो दिखाने के लिए अभी कैमरा हम लोग पास लाएंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसके अंदर देख सके कि अंदर इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सिंपल सा हम कैमरा पास ले गएंगे। तो सिंपल सा गाइस, हम कैमरा पास लाके लेके आ चुके हैं। अभी इसको भी इसको हम थोड़ा इधर से काटेंगे। और इसके अंदर क्या आता है वो भी आपको बताऊंगा। पर पहले इसको मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगी इसके अंदर क्या मटेरियल आता है जो पानी सोखता है। तो सबसे पहले हम इसको अभी बीच में से इधर से काटेंगे। थोड़ा बहुत मजबूत है, हाथ से भी नहीं फट रहा है। इसको भी इधर से हम काट लेंगे। सिंपल सा हम इसको भी मैंने काट लिया इधर से। कुछ भी थोड़ा ऐसा प्लास्टिक जैसा मेरे को दिखा, ये रुई। और हम सिंपल से इसको भी खोलेंगे। तो इसको भी इसको उधर इसके अंदर जो आप ये छोटे छोटे दाने दाने जैसा दिख रहे हैं, वही है मटेरियल जो पानी सोखता है। अभी पूरा निकाल देते हैं हम इसको थोड़ा धीरे धीरे करके। तो सिंपल सा गाइस, मैं सभी पूरा का पूरा ओपन कर लिया है। और जो ये आप बे देख रहे बारीक पाउडर, ये जो है बारीक पाउडर है वो है सोडियम पॉली एक्रेलाइट, मतलब सोडियम पॉली एक्रेलाइट, जो है पानी को सूखने की क्षमता रखता है। और कैसे रखता है तो अभी थोड़ा ही देर में अभी चेक करेंगे। तो अभी जो ये रूह है, ये रूह के साथ भी मिक्स है और इधर भी है। तो सबसे पहले हम इसको अंदर रख देते, इसको ऐसे करके, ताकि हमें अच्छी तरह से पता चले कि पानी कैसे सूखता है या नहीं। और जो ये है इसको भी हम इधर रख देते इसके अंदर। थोड़ा हाथ से चिपक गया है, थोड़ा हाथ से निकाल देते इसको भी। तो भी इसमें तो भी सिंपल से भी इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी जो मैंने लिया कलर वाला किया है, ताकि हमें पता अच्छी तरह से ये पानी सोखता है, इससे उसका पूरा पूरा जायज़ा मिले हमें। तो थोड़ा पानी डाल दे इसके अंदर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। तभी थोड़ी इसके देर इसको थोड़ा वेट करते हैं। और तभी के लिए हम दूसरा खोलते हैं। दूसरे पर जो जो ये दूसरा है, इस पर हम सीधा ही डायरेक्ट रिएक्शन देखें कि डायरेक्ट इसके अंदर क्या होता है। और ये अभी एक खुल गया है एक, और इसको भी थोड़ा इधर से काट लेंगे हम, ताकि हम अच्छी तरह से खोल सकें। इसको भी इधर से, तो ठीक है।
और ये हमने खोल लिया है और अच्छी तरह से हम अभी इसके ऊपर सीधा से हम डायरेक्ट वाटर रेडेंगे जो हमारा पानी है। तो अभी इसकी जो नीचे है जो पेपर है तभी इसके अंदर रास्ते से हम पता चले। सबसे पहले एक बूंद इधर गिर रहा था हमें, तो इसे मतलब कि आप देख सकते हैं पानी गिरते ही कैसा थोड़ा गीला हो चुका है। और इस सिंपल से अभी इसके इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप मैंने पानी डालते ही सूख रहा है इसके अंदर अपने अंदर, तो काफ़ी सारा आपने सामने मैंने पानी डाल दिया है। अभी थोड़ी देर के देखते हैं। अभी तो आप देख सकते हैं कि पानी में डाला तो अंदर अभी इसने पूरा का पूरा सोख लिया है इसके अंदर, कि मतलब कि कलर जो कलरिंग रंग का पहले पानी बताया था तो वो दिख नहीं रहा अभी। और ये सूख जाए मतलब कि थोड़ा ठंडा लग रहा है पर मुझे मेरे हाथ पानी नहीं लग रहा। और हम सिंपल से नीचे देखते हैं, जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं नीचे कुछ भी गीला नहीं है। जैसे कैसा गीला हो गया है पर इसके अंदर सीधे कुछ भी गीलापन नहीं हुआ है। थोड़ा अभी और हम डालते हैं थोड़ा पानी इसके अंदर, तो आप देख सकते जो बॉटल के अंदर है पानी तो कैसे दिखते रहे। अभी इसके अंदर थोड़ा और डाल देते हैं, अभी भी दूसरा भी पानी में डाला तभी ये गीला नहीं है। आप हाथ देख सकते मेरे कि हाथ में पानी नहीं आ रहा मेरे। और सिंपल से नीचे भी देख सकते कि ये अभी भी सूखा हुआ है मतलब ड्राई है, इसके अंदर नीचे से अभी कुछ भी पानी नहीं आया। तो भी जो बचा कुचा है पानी जो बच चुका है पानी वो भी इसके अंदर अभी डाल देते हम आपके सामने ही में डाल रहा हूँ। ये पूरी बोतल मैंने खाली कर दी है। अभी हम देखेंगे कि नीचे मतलब कि नीचे गीला हुआ है नहीं, तो आप सिंपल सा देख सकते कुछ भी गीला नहीं हुआ मतलब नीचे कुछ भी ऐसा नीचे नहीं लग रहा। पर एक चीज़ हो गई दोस्तों कि ये चीज़ भारी हो चुकी है मतलब कि इसने पानी को सोख लिया है और अपने अंदर एक भारी बन चुका है। इसको अभी दबाते हैं इसके अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा देख सकते आप। ऐसे ऐसे मेरे हाथ गीले भी नहीं हो रहे आप देख सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं आप नीचे ऐसे दबाता होगा। तो मतलब कि आप इसकी ताकत देख सकते हैं सोडियम पॉलीक्लोराइड की कितना पानी सूख सकता है ये। तो आप देख सकते अभी भी गीला नहीं हुआ अभी ये, जैसे कि पानी अभी भी जो मैंने डाला है अभी भी ये सूखा नहीं है। और इसकी आप स्पीड देख सकते हैं अभी दूसरा जो पहले, और जैसा कि आप लोग देख सकते पहले वाला जो हमने दिया था तो पानी इसके अंदर अपने पूरा का सूख लिया है इसने, देख सकते ये पानी इसने सूख लिया है पूरा का पूरा। पर इसको दबाने से पानी निकल रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते इधर, पर जो है पानी जो पहले हमने दिखा ये वाला तो ये अपने अंदर से पानी बिल्कुल भी लीकेज नहीं कर रहा। और अभी इसको भी बीच में से काट के देखेंगे, जो ये दिखाना चाहिए वैसा अभी रिएक्ट नहीं किया पर इसने अच्छी तरह से रिएक्ट किया है। तो इसको भी हम खोल के देखेंगे, इसको बीच में ही काट देते हैं हम। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं ये कैसे जेल में बदल चुका है, ये देख सकते हैं आप कैसा जेल निकल रहा है, जेल से निकल रहा है ये है दोस्तों सोडियम पॉली एक्रेलेट। और सिंपल से मेरे इसको देख सूख रहा पर अभी, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसको गीला नहीं कर रहा और बिल्कुल सा जेल सा बदल जेल में बदल गया ये आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर और भी हम और भी निकलते हैं और बहुत कुछ चिपी चिपी सा दिख रहा है मेरे को ये। और आप ये घर में भी आप एक ये ट्राई कर सकते हैं कि आप इसके अंदर ऐसा खुद का ऐसे
तो आप देख सकते हैं ये कितना जेली जेली सा टाइप का हो चुका है ये। तो आप अभी देखते हैं कि अंदर पानी से निकलता है या नहीं। इसको सिंपल से मैंने हाथ में ले लिया, अभी सिंपल से प्रेस करने पर ये पानी निकलता है या नहीं वही देखने है हमें। तो जैसे कि आपके सामने ही दिख रहे हैं आप, इसको कितना भी प्रेस कराओ पानी नहीं, पर ये खुद ब खुद बाहर निकल रहा है, मतलब कि पानी बिल्कुल भी इसके अंदर से नहीं निकल रहा बाहर। और मेरे हाथ साफ कर देता हूँ अपने हाथ को, और सिंपल सा आप देख सकते हैं गाइस, ये है जो यही है सोडियम पॉलीएक्रिलेट जो बेबी डायपर्स में आता है और जो पानी सूख लेता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि ये कैसा हो चुका है, और ये बेबी पानी को सूख ले, मतलब कि इधर आप देख सकते हैं कि इधर कुछ भी इससे गीला जैसा नहीं हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और मिलते ही अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दोस्तों वंदे मातरम। और ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, इसको आजमाओ कर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों।